हेलो लर्नर्स, निकोलस वोरोवाकी 28th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में रैंक करते हैं और बाकी को लास्ट मैथमेटिशियन भी कहा जाता है, जिसने मैथ्स के फील्ड में नियरली सारे एस्पेक्ट्स में मार्शल कर लिया था और फिर भी आज इन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इन्होंने मैथ्स के बहुत से थ्योरम समझाए हैं, इनके नाम की बहुत सी बुक्स भी पब्लिश हुई हैं। इतना सुनने के बाद ये जरूर लगता होगा कि ये बहुत ही जीनियस इंसान होंगे, बट वेट, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करते थे? आज हम निकोलस वोरोवाकी के पीछे की रियल स्टोरी और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। के बीच चले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत से फ्रेंच मैथमेटिशियंस की डेथ हुई। इसी कारण यंग यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर्स को पुराने बुक से पढ़ाना पड़ रहा था, जिसके वजह से वोरोवाकी नाम के एक ग्रुप की शुरुआत हुई। 1934 से 1935 के बीच कुछ फ्रेंच ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियंस ने इस ग्रुप की शुरुआत की। दरअसल इस ग्रुप का शुरुआती मकसद एक नया टेक्स्ट बुक बनाना था, जिसमें 7 से 8 लोग थे, पर धीरे धीरे समय के साथ ये प्रोजेक्ट एम्बिशियस होता चला गया और ये एक टेक्स्ट बुक की सीरीज बन गया, जिसे वोरोवाकी के नाम से पब्लिश किया गया। इस सीरीज को इंग्लिश में एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। ये सीरीज मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जैसे सेट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, टोपोलॉजी, लाई ग्रुप्स, लाई अलजेब्रा और भी बहुत से टॉपिक्स को कवर करता है। पर ये नाम निकोलस वोरोवाकी कैसे आया? 1935 में ग्रुप ने अपने मैथमेटिकल थ्योरम्स और फॉर्मूलाज को पब्लिश करने का सोचा, पर इसके लिए उन्हें एक सीडोनिम चाहिए था जिसके नाम पर ये आर्टिकल्स पब्लिश हों। तो एज अ प्रैंक उस ग्रुप ने 19th सेंचुरी में फ्रेंच जनरल चार्ल्स डेनिस वोरोवाकी के लास्ट नेम को चुना। चार्ल्स का फ्रेंको प्रूसियन वॉर में एक बड़े लॉस के पहले मिलिट्री कैंपेन्स में एक सक्सेसफुल करियर रहा है, पर किसी भी आर्टिकल के पब्लिकेशन के लिए फुल नेम चाहिए होता है, इसलिए फर्स्ट नेम भी डिसाइड करना था। फिर इस तरह निकोलस नेम सिलेक्ट किया गया। वोरोवाकी ग्रुप रेगुलरली ड्राफ्टिंग और द एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के एक्सपेंडिंग के लिए प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स करते रहते थे। भले ही स्लो पर कड़ी मेहनत के कारण ये प्रोसेस ऐसा काम किया कि इसने ग्रुप के स्टैंडर्ड को काफ़ी बढ़ा दिया और ये ग्रुप अपने रिगर और जेनरेलिटी के लिए जानने लगे। साथ ही ये ग्रुप अपने रिगरस प्रेजेंटेशन और एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की धारणा को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वोरोवाकी का काम काफ़ी कम हो गया था, पर उसके बाद वोरोवाकी ने अपने काम के प्लान्स को और भी ठोस कर दिया और एक प्रोडक्टिव रूटीन में सेटल कर दिया। वोरोवाकी 1950s और 1960s में रेगुलरली द एलिमेंट्स के वॉल्यूम पब्लिश करते रहे और इसका अच्छा असर भी उस समय में इंजॉय करते रहे, पर इसके बाद इसका इन्फ्लुएंस न्यू वॉल्यूम्स के इनफ्रीक्वेंट पब्लिकेशंस की वजह से कम हो गया। वोरोवाकी ने एक सीरीज ऑफ टेक्स्ट बुक, सीरीज ऑफ प्रिंटेड लेक्चर नोट्स, जर्नल आर्टिकल्स और इंटरनल न्यूज लेटर्स पब्लिश किए। इनके टेक्स्ट बुक सीरीज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में 6000 से भी ज़्यादा पेजेज हैं, जिसमें से कुछ बुक के नाम हैं। इनके रिसर्च के 80वें साल 2016 में इन्होंने एलिमेंट्स दे मैथमेटिक के 11th वॉल्यूम को पब्लिश किया। बहुत से मैथमेटिशियंस इनके काम को सराहते हैं और बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर फिर भी ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस कहे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।